बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो चेन बेस्ड मेथड को देखा था, सिंपल एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर के लिए हमने वेटेड और अनवेटेड का डिफरेंस देखा। इस लेक्चर के अंदर हम वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, सबसे पहला मेथड जो है वो वेटेड इंडेक्स नंबर का हम देखने जा रहे हैं। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के अंदर वैसे तो बहुत से जो है वो मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसके तीन मेथड्स की बात कर रहे हैं। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम करंट ईयर प्राइसेस को या जो है वो टिपिकल ईयर प्राइसेस को हम एज ए वेट्स यूज करते हैं, करंट ईयर या बेस ईयर प्राइसेस को एज ए वेट्स, क्वान्टिटीज को एज ए वेट्स यहाँ पर जो है वो हम यूज करते हैं। और इसमें हम तीन इंडेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेस्पियर, पाशियस और फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लेस्पियर इंडेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। लेस्पियर इंडेक्स नंबर क्या होता है? दिस इंडेक्स नंबर यूजेस बेसियर क्वांटिटीज एज वेट्स। ये इंडेक्स नंबर क्या करता है? बेसियर क्वांटिटीज को एज ए वेट्स जो है वो इस्तेमाल करता है, यानी यहाँ पर क्यू नोड जो है वो हमारे पास एज ए वेट जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपके पास प्राइस के लिए इसका फॉर्मूला है, एस्टिमेशन पी एन क्यू नोड डिवाइडेड बाय एस्टिमेशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी एग्रीगेट के फॉर्मूले के साथ अगर हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास लेस्पियर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी आपके बेटा सामने है, इसे ये भी सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है पाशियस इंडेक्स नंबर। पाशियस इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, लेस्पियर इंडेक्स नंबर को हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और पाशियस इंडेक्स नंबर में हम करंट ईयर प्राइसेस को यानी गिवन ईयर क्वांटिटीज को एज ए वेट्स जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। यानी यहाँ पर हम एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का जो सिंपल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें हम जो है वो उस फॉर्मूले को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है एस्टिमेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय एस्टिमेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि इसमें करंट ईयर क्वांटिटीज को एज ए वेट यूज किया जाता है, इसलिए इस पाशियस इंडेक्स नंबर को हम जो वो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पियर और पाशियस इंडेक्स नंबर का। और इसे आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो दो टेस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल टेस्टों को ये सेटिस्फाई करता है। कौन कौन से दो स्टैटिस्टिकल टेस्टों को ये सेटिस्फाई करता है? एक है डार्ट रिवर्सल टेस्ट और एक क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये इन दोनों टेस्टों को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है? प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेस्पियर इनटू पाशियस। तो इसी तरह से यहाँ हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एल इनटू पी, एल फॉर लेस्पियर एंड पी फॉर पाशियस। यहाँ पर प्राइस के लिए इसका फॉर्मूला जो है वो अगर आप देखें तो यहीं पे इसके बेसिक फॉर्मूले से ही ये दोनों फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। यहाँ पर लेस्पियर की जगह पे लेस्पियर का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी एस्टिमेशन पी एन क्यू नोड ओवर एस्टिमेशन पी नोड क्यू नोड। और इसी तरह से पाशियस की जगह पे एस्टिमेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय एस्टिमेशन पी नोड क्यू एन और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास जो है वो फिशर्स का आइडियल इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम समझ लेते हैं थोड़ा सा लेस्पियर इंडेक्स नंबर को। और यहाँ पर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंप्यूट इंडेक्स नंबर, आपने लेस्पियर इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है फॉलोइंग डाटा से, इस डाटा से, और 1963 जो है वो हमारे पास बेस ईयर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो लाजमी बात है कि वो बताएगा कि लेस्पियर से करना है, पाशियस से करना है या फिशर से करना है। बाज का तो तीनों रिक्वायर्ड कर लेता है, बाज का कोई से दोनों दो रिक्वायर्ड करता है, बाज का कोई एक यानी फिशर्स भी खाली रिक्वायर्ड किया जाता है। तो हमने जो है वो जो भी मेथड कहा जाएगा उसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर जो ये बेस ईयर होगा उसकी प्राइस और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बेस ईयर प्राइस जो है वो हमारे पास 1963 के नीचे प्राइस हमारे पास कॉलम जो है ये क्या होगा, पी नोड हो जाएगा, और ये क्वांटिटी कॉलम जो है वो क्यू नोड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो दूसरा ईयर होगा वो अगर एक ईयर है या दो ईयर है या तीन ईयर है, जितने भी ईयर हैं उसकी जो प्राइस और क्वान्टिटीज होंगी वो करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटीज हो जाएंगी। यानी 1967 की जो प्राइस है वो करंट ईयर प्राइस है, यानी पी एन है, और क्वांटिटी जो है वो क्यू एन है, यानी करंट ईयर
क्वांटिटी है। यहाँ पर तीन कमोडिटीज की जो है वो प्राइस और क्वांटिटीज दी हुई है 1963 और 1967 के लिए। इस पे आप लोगों ने लेस्पेयर्स और पाशेज इंडेक्स नंबर को अप्लाई करना है। यहाँ पर लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर की बात करें तो प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल होता है एस्टिमेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस्टिमेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 के। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने टोटल चाहिए पी एन क्यू नॉट का और पी नॉट क्यू नॉट का, तो हम इस टोटल के लिए यहाँ पर सबसे पहले कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1963 के नीचे प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट है, 1967 के नीचे प्राइस और क्वांटिटी पी एन क्यू एन है। तो यहाँ पर पहला टोटल पी नॉट पी एन क्यू नॉट चाहिए, तो पी एन का जो कॉलम है यानी करंट ईयर जो प्राइस है उसको बेस ईयर प्राइस से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 42 इंटू 180 देन 11 इंटू 75 देन 14 इंटू 110, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएंगे 7560 825 एंड 1540। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास मिशन पी एन क्यू नोट आ जाएगा 9925। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास हमें टोटल चाहिए पी नोट क्यू नोट का, तो पी नोट क्यू नोट का मतलब है कि बेस ईयर प्राइस को बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाना, यानी 40 इंटू 180 7200 10 इंटू 7750 12 into 110 1320, इसका टोटल करेंगे 9270 आ जाएगा। अब 9925 को और 9270 को इन आंसर्स को पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 9925 डिवाइडेड बाय 9270 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा, और प्राइस इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है 107.07। तो स्टूडेंट्स इसमें लेस्पेयर हो पाशेज हो या फिशर हो, उसमें जो भी सम हमें रिक्वायर्ड होंगे उन सम्स के अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट जो है वो कॉलम्स के जो है वो फाइंड करने हैं, और इसी तरह से हमारे पास लेस्पेयर और पाशेज और फिशर में भी हम यही काम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके मजीद क्वेश्चंस को देखेंगे। आपने इस क्वेश्चन की दोबारा से इसको जो है वो खुद से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और इसमें जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी अब तक इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके जो रिमेनिंग टू मेथड्स हैं पाशेज और फिशर्स इंडेक्स नंबर उसको हम पढ़ेंगे, और आप लोगों ने इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में से उसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।